नमस्कार, प्राइम 18 न्यूज मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। आगरा शहर के ब्लॉक खंदौली के खड़िया गांव में सरकारी स्कूलों में प्रधान द्वारा बच्चों को मिष्ठान बांटा गया और सभी सरकारी स्कूलों में प्रोग्राम रखे गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ ग्रामीणों ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर रैलियां निकाली। ब्लॉक खंदौली के ग्राम पंचायत खड़िया में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। बुधवार को प्राथमिक विद्यालय में ध्वजारोहण जितेंद्र प्रधान ने किया। इससे जितेंद्र प्रधान ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को देश की एकता अखंडता को बनाए रखने का काम करना होगा। सुबोध जितेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश शक्तिशाली बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है, आज हम उनके बलिदान से ही हम आजाद हैं, हम खुले वातावरण में जी रहे हैं। जितेंद्र प्रधान ने कहा कि शहीदों के बलिदान से ही आज बेहतर भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों ने देशभक्ति संस्कृति के कार्यक्रम किए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुशवाहा इस समय मौजूदगी में खड़ा हूँ खड़िया गांव में, जो ब्लॉक खंदौली में आता है। और आज जो 15 अगस्त का जो झंडा लहरा गया है, आज टीचरों से और यहाँ के ग्राम प्रधान जितेंद्र कुशवाहा से जानते हैं कि झंडा क्यों लहराया जाता है और किस खुशी में आज के दिन जो प्रोग्राम बनाया क्यों मनाया जाता है। जैसे आज जो आज झंडा लहराया है कि आज के दिन क्या हुआ था और ऐसी क्या वाणी थी? आज के दिन देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था, उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी और इसको हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिससे कि हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इसका एहसास हो सके कि हमारे शहीदों ने, देश के अमर शहीदों ने अपने प्राण दे करके इस देश को आज़ाद कराया। इस परंपरा को हम हमेशा बरकरार रखेंगे और उत्सव के रूप में मनाने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों में अच्छी जागृति पैदा हो और हर वर्ष इस स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाएं। मेरा यही सभी लोगों से अपील है कि इस देश को आज़ाद करने में बहुत से शहीदों के प्राण गए हैं, इनको हम बेकार ना जाने दें और हमेशा उत्सव मनाते रहें स्वतंत्रता दिवस पर। ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, कई माह मनाया है? ये 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जैसे इस पावन मौके पर कितने लोग गांव के क्षेत्रीय लोग कितने विद्यालय में प्रकट रहे? आप देख ही रहे हैं, गांव के बहुत सारे लोग हैं। और एक और इस वर्ष इस 15 अगस्त से हमने एक और मतलब मुहिम चालू की है कि अपनी ग्राम पंचायत घर पर प्रत्येक प्रधान एहद महत्व तहसील के झंडारोहण किया है, जो देश आज़ादी के बाद शायद मैं जानता हूं कि ये पहला पंचायत स्तर पर झंडारोहण हुआ है। में बच्चों के लिए क्या क्या तैयारी कराई थी जो आज के दिन के लिए आपने? देखो, देश को स्वतंत्र हुए 71 वर्ष हो गए और हम 10 मना रहे हैं, तो बच्चों के इससे पहले हमने लगभग 10 दिन तैयारी कराई, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वगैरह और सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी तैयारी कराई और कुछ वृक्षारोपण भी कराया है और खेलकूद भी कुछ कराने हैं, तो इसलिए ये सारे कार्यक्रम का हमने पूरे पहले से तैयारी कराई है। और अब राष्ट्रीय ध्वज का जो आयोजित कार्यक्रम हो चुका है अभी तो इसका मिष्ठान वितरण करवाएंगे। जैसे जो बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम गाया, बच्चों को गिफ्ट में क्या क्या सम्मानित क्या क्या दिया गया? जो शिक्षा से संबंधित स्टेशनरी है, पेन पेंसिल रबर पहाड़े, इन सब सामग्रियों का बच्चों ने प्रतिभा किया, उनको वितरण किया गया है। लगभग कितने बच्चों ने यहाँ पे इस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया होगा? लगभग 40 बच्चों ने इस कार्यक्रम के जो खेल प्रतियोगिता और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग किया है। इस विद्यालय में कितनी छात्र पढ़ने आते हैं और कितनी के एडमिशन है? वर्तमान में विद्यालय में 130 विद्यार्थियों का पंजीकरण है और उसमें से लगभग 100-110 बच्चे तक पढ़ने आते हैं। जैसे देखा जाए तो 130 बच्चे यहाँ पे प्रकट में जो मौजूद हैं और 40 बच्चों ने भाग लिया है, ऐसे 90 बच्चे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं उन्हें? दरअसल क्या है कि ये एकल विद्यालय है, मैं केवल यहाँ पर अकेला ही प्रधान अध्यापक हूँ, और कोई अध्यापक नहीं है, तो इसलिए अध्यापकों के अभाव के कारण बच्चों को कम तैयारी करा पाते हैं। और ये हमारी मूलभूत सरकार से समस्या है कि इस विद्यालय में मतलब और भी शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, जिससे कि सभी सारे कार्य शिक्षा से संबंधित सुचारू रूप से संपन्न हो सके। गोकुल सिंह,
जैसे जो विद्यालय में जो बच्चों ने इतनी खेल प्रतियोगिता 40 बच्चों ने भाग लिया है, ऐसे जो हर साल की तरह ऐसे प्रतियोगिता बच्चे आगे बढ़े और ऐसे ही टीचर जहाँ पे स्कूल में तैयारी कराते रहे, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए व्यवस्था और मास्टर मंगाए जाए ऐसे ही अच्छी तरह के, और अच्छी तरह से योग्यता दें और बच्चों को खेल कूद अच्छी तरह से सिखाएं, और वो मतलब शिक्षा का प्रचार अच्छी तरह से करें। देखा जाता है एकलव्य विद्यालय है और एक ही टीचर है, फिर भी इतने 40 बच्चों को इन्होंने यानी खेल प्रतियोगिता में भाग देने के लिए तैयार किया है। एक ही मास्टर हैं, इसलिए उन्होंने बच्चों को 40 बच्चों को खेल में बुद्धि शिक्षित किए हैं। और बच्चों के साथ साथ विद्यालय में कितने गांव ग्रामीणों ने यानी इस झंडे लहराने के लिए सम्मानित किए? 50-40 लोग गांववासी भी हैं इस झंडे लहराने के साथ। आगरा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।